हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को और बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हम लोग लेके चलते हैं आपको। आज दोस्तों हमारे ऑफिस में मैं बैठा हूँ, सुबह से आज काफ़ी टाइम हो गया और हम लोग आज बाहर नहीं निकल पाए हैं क्योंकि हमारे स्टाफ में आज मुस्कान जी नहीं आई हुई हैं ऑफिस में, और फिर उसकी वजह से हमें ही यहाँ पे मतलब रुकना पड़ा दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते कि काम तो काम होता है और काम हमें यहाँ का भी देखना होता है और बाहर भी देखना होता है, ब्लॉगिंग भी करते हैं प्लस, और प्लस हमारा जो ऑफिस से बाहर भी जो सोसाइटियों का काम होता है फ्लैटों का, तो वो भी देखना पड़ता है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं, अजय को मैंने बुलाया हुआ है, काफ़ी समय हो गया है, घड़ी में अभी कितना समय हुआ है घड़ी में दोस्तों, अभी 4:45 होने जा रहे हैं दोस्तों। तो 4:45 हो चुके, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ के ना बोर हो जाता हूँ दोस्तों, मैं इतना कभी नहीं रुकता हूँ ऑफिस के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे से ज़्यादा नहीं कभी बैठता हूँ मैं ऑफिस में, चाहे कुछ भी हो, पर पूरा दिन कभी नहीं बैठ सकता दोस्तों, क्योंकि शुरू से हमारी हैबिट नहीं है ना इस चीज़ की। शुरू से हमारी हैबिट में ये आता है कि हम लोग ना शुरू से फील्ड पे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बाहर मार्केट में रह के काम किया, लोगों से मिला है, लोगों से मिलना मुझे पसंद है और नए लोगों से बात करना पसंद है मुझे और लोगों की हेल्प करना पसंद है मुझे। तो देखते हैं, अब हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा कुछ घूम के आना चाहिए बाहर, अब देखते हैं किधर निकल रहे हैं हम लोग कुछ बात करके। अभी हम लोग पहले तो गाड़ी की तरफ जाके देखेंगे कि गाड़ी हमारी मतलब खड़ी हुई होगी, तो वहाँ से मिल के फिर देखते हैं आके आपसे आगे लेके चलते हैं आपको जैसा भी होता है दोस्तों। दोस्तों तो हम लोग जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 2 की पार्क में, देखते जाके वहाँ पे सेक्टर 2 में जाता हूँ मैं, सेक्टर 2 की पार्क में मुझे जाना है वहाँ पे। हो सकता है किसी ने मतलब वहाँ पे हमारी ड्यूटियाँ भी चल रही हैं उसके बगल में, तो देखते हैं वहाँ पे अगर हमारा स्टाफ मिल पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ बैठेंगे इन्जॉयमेंट करके उसके बाद रिटर्न आएंगे, क्या करेंगे। कि सर आपको पता है घर पे बैठ के टाइम भी तो नहीं पास होता ना, आज स्टाफ नहीं आया तो ऑफिस में मुझे वेट करना पड़ा सारे दिन इस तरीके से। तो देखते हैं, लेके चलते हैं आपको सेक्टर 2 पार्क के अंदर। तो हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 2 द्वारका के अंदर, और सेक्टर 2 CNG पंप के पास हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये सामने CNG पंप रहा दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग अब जाएंगे सेक्टर 2 की मार्केट नहीं, सेक्टर 2 पार्क के पास दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं पार्क के पास। क्या हो रहा है बेटा, क्यों लड़ाई कर रहा है, फिर छोटा है तो उसको मारेगा, शर्म नहीं लगती तुझे? अरे उसको झटके तो लगा रहा है ना तू, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते भाई। आप YouTube पे चैनल देखोगे ना तो पता चलेगा, आप YouTube पे सर्च कर लो धर्म जी के देहाती ब्लॉग आ जाएगा, धर्म जी के देहाती ब्लॉग, हाँ धर्म जी के देहाती ब्लॉग आप डालो आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जानकार और नॉन जानकार भी लोग मिल जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग उनके साथ मिल के बात भी कर लेते हैं जितना हो सकता है, बच्चों की और बड़ों की हेल्प भी करते हैं हम लोग दोस्तों। तो लेके चलते हैं आपको द्वारका सेक्टर 2 की पार्क में, जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 2 में, इंटर कर चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ से पार्क की दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे सामने ही पार्क दिखता है, उसको लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये बगल में सोसाइटियाँ भी हुआ करती हैं, कॉलेज है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा, ये देखते दोस्तों हम लोग जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 2 में, हम लोग आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं आपको लेके पार्क की तरफ। दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ दिल्ली के अंदर भी दोस्तों, काफी सारी मतलब जानवर जो होते हैं बेचारे, गाय वगैरह जो हैं वो लोग ना मतलब रोड पे घूमते रहते हैं काफ़ी, मतलब भूखे प्यासे बेचारे हर तरीके से, तो लोग इनको दूध वगैरह निकाल के इनका और छोड़ देते हैं रोडों पे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भी जानवर को अगर आप पालते हैं तो उसका ख्याल भी अच्छे से रखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 2 के अंदर, और सेक्टर 2 के अंदर जब हम लोग आ चुके हैं तो हम लोग ले कर चलते हैं, पहुँचने वाले हैं हम लोग आगे पार्क में, कुछ ही क्षण कुछ ही समय लगेगा जिसमें हम लोग पार्क में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये गाय देखिए दोस्तों खड़ी हुई है, गौ माता, जिनको मतलब इस तरीके से
भटकना पड़ रहा है रोडों के ऊपर तरीके से। दोस्तों ये भी रोड इधर जा रहा है दोस्तों द्वारका की तरफ जाने के लिए, और इधर से भी जा सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग पार्क में पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 2 की पार्क में। ये देखिए बच्चे यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों, और इनसे मिलाते हैं आपको। बेटे कहाँ रहते हो? ओके ओके, पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में। ओके, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और सभी भाइयों को, सभी बच्चों को मैं तो अनुरोध करूँगा कि हर बच्चों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे भारत में हर बच्चा एक मतलब बहुत ही अच्छा आगे अपना नाम, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का नाम आगे लेके जाए और रोशन करे दोस्तों। नाम तो कल। जी भाई बेटा, हमारा नाम है हमारे चैनल का धर्म जी के देहाती ब्लॉग, आप सर्च करो आ जाएगा। आशीर्वाद है, देखो पता चल जाएगा आपको। देखो ना आप क्या धर्म जी के देहाती ब्लॉग डाल दो, ठीक है, धर्म जी के देहाती ब्लॉग। अब आ चुके हैं पार्क के साथ में, ये सामने ही पार्क है हमारे, हमारे सामने पार्क पड़ती है दोस्तों। तो हम लोग अब आ चुके हैं, बगल में यहाँ पे शॉप भी है, ताकि किसी भाई को कुछ अगर लेना होता है खाने पीने का कुछ सामान तो वो ले सकता है। और यहाँ पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं पार्क के पास, यहाँ पे जूस वगैरह की भी शॉप लगी होती है, तो अपना पार्क में जो लोग आते जाते हैं उनके लिए। ये देखो छोटू बैठा भुट्टी भी बेच रहा है। बेटा कितने का भुट्टा दिया? 20 का। ओके, और पेटीएम भी लेते हो? अरे बेटा लिया कर, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है सारा चीज, तू पेटीएम के चक्कर में अपना लॉस कर रहा है बेटा काफ़ी। तेरे पास दिन में 10 लोग तो ऐसे आते होंगे जो कि पेटीएम के लिए बोलते होंगे, जिनको आप वापस भेज देते होगे, है ना बेटा? तो ये गलत बात है ना, तेरा ही तो लॉस हो रहा है, तो लिया कर, ठीक है। नहीं बच्चे पेटीएम नहीं चलाते, बड़ा तो होगा ना इसके पीछे कोई ना कोई यार, तो बड़ा भी हर बच्चे के साथ बड़ा जोड़ जरूर होता भाई। तो दोस्तों हम लोग पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और इधर मैं सेक्टर 2 की पार्क में काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, पहले भी आता था दोस्तों, तो अभी आज मन हुआ इधर आने का, क्योंकि आज गाड़ी से नहीं, आज हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग अपना एंजॉयमेंट बच्चे करते होते हैं देखिए इस तरीके से, और अच्छा भी लगता है दोस्तों इस तरीके से। जी देखिए उधर योगा भी हो रहा है, योगा और एक्सरसाइज भी लोग करते होते हैं दोस्तों, आपको दिखाते जूम करके। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा भी करते हैं दोस्तों। तो किसी भी भाई को अगर करना हो योगा और फिटनेस का, अपना जो भी मतलब प्रोसेस करते हैं, कोई अगर करना चाहता है तो अपना आके कर सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग में दोनों टाइम पे होते हैं दोस्तों। सर दोस्तों तो हम लोग काफ़ी समय से पार्क के अंदर इंजॉयमेंट कर रहे थे दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं पार्क से, काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, झूले भी झूल रहे हैं, इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी सारे बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी भी यहाँ पे योगा फिटनेस का काम भी चल रहा है उधर। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारा मतलब अच्छा माहौल यहाँ पे रहता है, सारे लोग अच्छे से इंजॉयमेंट करते होते हैं। और हम लोग काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ पे, तो मैं हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को कुछ निकलने का प्लान हो रहा है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग अभी कितना मुझे समय लगता है कहाँ पे घर मतलब पहुँचने में घर पे। तो चलते हैं आगे पार्क से बाहर की ओर। हम लोग पार्क के बाहर की ओर चल रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। तो हम लोग सोच रहे हैं, अजय गन्ने का जूस पिए? चलो दोस्तों मन हो रहा है गन्ने का जूस पीने का, गर्मी लग रही है, तो मतलब एक एक गिलास गन्ने का जूस पीते हैं दोस्तों। भाई 2 गिलास गन्ने का जूस लगाना, 2 गिलास गन्ने का जूस। दोस्तों यहाँ पे पार्क के पास किसी भाई को जूस भी पीना है तो वो अपना मिल जाता है यहाँ पर, खाने पीने का सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट करते होते हैं यहाँ पे लोग। किसी भाई को अगर आना हो तो वो अपना आके इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक वातावरण होता है दोस्तों यहाँ पे। और भाई यहाँ पे डेली लगाते हो आप? अच्छा, कितने टाइम से लगाते हो आप? कितने बजे से? अच्छा 10 बजे से।
शाम तक रहते हो? ओके ओके, चलिए ठीक है भाई, देखते हैं। गिलास जूस लगा दो भाई, दो गिलास बढ़िया सा लगा देना। आपका वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, इसका आपको लाखों लोग देखेंगे भाई साहब। देखते हैं, टेस्ट करते हैं भाई का कैसा जूस भाई चलाता है। अपना चैनल है धर्म जी के देहाती ब्लॉग के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा आपका वीडियो। दोस्तों इस तरीके से ये देखिए भाई कह रहा हम लोग भी पार्क में घूमने के लिए आ गए, तो काफ़ी सारा एंजॉयमेंट करते होते ये लोग। और इनका पास पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगता है, यहाँ पे सारे फ्लैट और सोसाइटियों का एरिया है, तो बगल में मतलब आते जाते रहते लोग। और इधर कॉलोनी के भी कुछ काफ़ी सारे लोग आते रहते, जैसे इधर से तो सारे लोग एंजॉयमेंट करते होते हैं यहाँ पे। ला भाई जी, ला लो जैसे पकड़ो पकड़ो। भाई एक बढ़िया नंबर, एक नंबर का बढ़िया चीज़ आपका बनाता है। कितने हो गए भाई पैसे? 40। दो भाई चलो, ठीक है चलो। तो दोस्तों हम चलते हैं धर्म जी के देहाती ब्लॉग सर्च करना है। हाँ ले लिया ले लिया, धर्म जी के देहाती ब्लॉग के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा। धर्म जी के देहाती ब्लॉग। तो दोस्तों इस तरीके से सारे लोग एंजॉयमेंट करते होते हैं। अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ दोस्तों, चलते हैं जय है? आ जाओ। तो अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो चुका है हमारे को आए हुए, आपको पता है समथिंग एक घंटे के आसपास हो चुका होगा। तो अब हम लोग घर की तरफ निकलते हैं, आ जाओ। अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं, अभी देखते हैं कितना और समय लगता है हमें पहुंचने में। दोस्तों काफ़ी इधर शांतिपूर्ण वातावरण रहता होता है, तो किसी भी भाई को मतलब अगर आके अपना वो करते होते हैं तो अपना आके एंजॉयमेंट कर सकते हैं दोस्तों। शांति वातावरण रहता होता है यहाँ पे दोस्तों। चलते हैं घर की तरफ, रोड आ गया मेन रोड, यहाँ से अब हम लोग क्रॉस करेंगे मेन रोड को क्रॉस करने के बाद, तो उसके बाद अब हम लोग घर की तरफ पहुंचेंगे दोस्तों। तो ये मेन रोड आ गया सामने, पुलिस बूथ के रोड के उस तरफ, इसी के साथ अब हम लोग यहां से क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, अब देखते हैं कितना और समय मुझे लगता है यहाँ से घर पर पहुँचने में, उसके बाद मिलते हैं आगे। ऑफिस भी देखना है, तो ऑफिस में भी हो सकता है जाना पड़े मुझे, तो मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो में। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ समय में घर की तरफ, अभी तो हम लोग चल रहे हैं रास्ते में ही हैं दोस्तों, तो देखते हैं अभी और कितना समय हमें लगता है वहाँ पे पहुँचने में दोस्तों, घर पे पहुँचने में और कितना समय लगता है तो पता चलता है आपको आगे। चलते हैं आपको आगे लेके। हम लोग घर पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग अब कुछ समय बचेगा हमें पहुंचने में, देखते हैं कितना टाइम लगता है और मुझे अभी घर पे पहुंचने में दोस्तों, ये चलते हैं आपको आगे। हम लोग पहुंचने वाले हैं घर पे, देखते हैं अभी कितना और समय लगता है दोस्तों पहुंचने में हमें घर पे। ज़्यादा तो समय नहीं लगेगा, वैसे तो कुछ ही सड़कों का रास्ता है तो मैं पहुँचने ही वाला हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं
देखते हैं ऑफिस में मिलते हैं। हम लोग दोस्तों ऑफिस में आ चुके हैं अभी दोस्तों, तो मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ। देखते हैं थोड़ा सा काम मुझे अगर आता है देख लेते हैं। हाँ वो वाली तो आ गई है मेरे पास। तो आपने फोटो कौन से भेजी है? सुनीता तो गई है आपकी फोटो? नहीं नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। पूरी के लिए वहाँ पे किस स्टाफ मिल गया? सुनीता प्रोफाइल को भेज के उसका नाम लिखे सब मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जैसे पढ़ता होता है ना उसी तरीके से डाल के और फिर उसके बाद उससे लिख दो नीचे कि मतलब ये कहाँ जाएगी जानी पूरी ठीक है डाल देना देने के अंदर जाएगी उस तरीके से आज प्रोफाइल भेज के बात कर लेंगे ठीक है। जो भी चाहे जहाँ पे जाएगा ना उसका डेली नंबर मिल जाएंगे। हेलो हाँ सुनीता जी आप कहाँ रहते हो बताओगे मुझे? जहांगीरपुरी में रहते हो ना आपको? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। आपके पास में ही है जहांगीरपुरी के पास में मैं लोकेशन भेज दूंगी आपको आज नहीं तो मैं कल सुबह भेज दूंगी ठीक है। और बाकी मैं आपकी आईडी भेज दे तो मैम के पास क्या कन्फर्म में नहीं है मैं सुबह बता दूंगी आपको ठीक है। बट सुबह रेडी रहना अगर वो बोलेंगी तो मुझे आज चाहिए मीटिंग के लिए तो मैं आपको भेज दूंगी ठीक है कल। दोस्तों तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे पहुंचने के बाद अब देखते हैं घर पे क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है बच्चे कहाँ हैं सारा चीज़ देख एक बार। ये हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। इधर तो देख लिया कोई नहीं है इधर भी युवराज और ये पढ़ लिख रहे हैं अपने पढ़ाई कर रहे हैं ये लल्ला को खिला रहे हैं बाबू को। हेलो लाइट जलाओ लाइट लाइट रुको लाइट देखते हैं भाई दोस्तों लाइट यहाँ पे बंद कर रखी है इन लोगों ने। अब देखिए लल्ला आ गया। हेलो 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 क्या हाल है लल्ला लल्ला क्या है बताओ बेबा बताओ बेटू बताओ 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 क्या है बताओ। लल्ला लल्ला शिवांश ओ शिवांश शिवांश सीताराम सीताराम कहो सीताराम 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 सीताराम। ये बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों बहुत ही खिलाड़ी है दोस्तों ये बहुत खेलता है। क्या हाल है ये अजय का बेटा है दोस्तों
ये बहुत अच्छे से खेलता है, अभी बहुत खिलाड़ी, अभी 4-4 मंथ का हुआ दोस्तों। तो ये बेबी है, दोस्तों हमें बच्चों से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों हमें बच्चों से प्यार करना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, चाहे छोटा बच्चा होता है बड़ा बच्चा हो, तो मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे घर पे कौन कौन आया हुआ है। ये प्रिया जी हैं जो कि हाय गाइस, हेलो बंधु, ये दोस्तों प्रिया जी हैं और मैडम हैं ये। और देखिए दोस्तों हमारे साथ बच्चा अभी खेल रहा है, मस्ती कर रहे हैं हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। लला मस्ती कर रहे हैं ना, हम मस्ती कर रहे हैं दोनों, हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। पापा जी बुला रहे हैं आपको, देखिए हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। शिवांश दोस्तों इसका नाम शिवांश है और ये मंगलवार के दिन इसका जन्म हुआ है। और दोस्तों जन्म तो मेरा भी मंगलवार के दिन हुआ है, तो दोस्तों हम लोग मंगलवार के दोनों के हैं, तो इसलिए हमारा बड़ा ही बच्चों से प्रेम रहता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों देखो शिवांश, देखो कपड़े क्यों डाल रहा है बेटा। शिवांश डॉक्टर दवाई ये बड़ा क्यूट सा है, तो अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता दी।